गिरिडीह में अब्दुल रजाक अंसारी का अदब व एहतराम के साथ मनाई गई यौम पैदाइश। गिरिडीह के जीवन विवाह भवन में झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी बुनकरों एवं मोमिन के मसीहा स्वर्गीय अब्दुल रजाक अंसारी का 107वां जश्न विलादत मनाई गई। इस कार्यक्रम में सदारत प्रोफेसर मंजूर आलम ने की, संचालन मुखिया शब्बीर आलम ने किया। कार्यक्रम के दौरान हाजी अब्दुल रजाक अंसारी के जीवनी पर रोशनी डाली गई। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच अब्दुल रजाक अंसारी के जीवनी पर लिखी गई किताब बांटी गई। बच्चों द्वारा कुछ कलाम भी पेश किए गए। मौके पर गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष सब मोमिन कॉन्फ्रेंस युवा जिला अध्यक्ष शब्बीर आलम ने कहा कि मोमिनों को अब्दुल रजाक अंसारी के जीवनी को देखकर उनके जैसा बनने की जरूरत है। वहीं प्रोफेसर मंजूर आलम ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गंगा जमुना की तहजीब को कायम रखने के लिए रांची के इरबा में अपोलो मेदांता के रूप में विस्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान हाजी मुख्तार साहब, चांद जिलानी, अजहरुद्दीन, हाजी अब्दुल रशीद, ताहिर हुसैन, वसीम आलम, मौलाना याकूब इत्यादि मौजूद रहे। हाजी अब्दुल रजाक अंसारी साहब का 107वां जो है उनका यौम पैदाइश का जो है सो खराज अकीदत पेश किया गया। उनके लिए कुरान खानी कराई गई और यह जो प्रोग्राम है वो हमारे प्रोफेसर मंजूर साहब के सदारत में की गई। इसमें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस झारखंड के और गिरिडीह ज़िले के तमाम जो लोग हैं वो उपस्थित हुए और हम लोगों ने हमारे जो अब्दुल रजाक अंसारी साहब के जो किताब है जो लिखी हुई है उनकी जीवनी है वो हम लोगों ने लोगों के बीच में तकसीम किया ताकि लोग हैं उनकी जीवनी से पढ़ करके और प्रेरणा ले सके और उन्हीं की तरफ बनने का प्रयास कर सके। अगर हर जिले में अगर एक भी हाजी अब्दुल रजाक अंसारी जैसे लोग पैदा हो जाएंगे और वैसे लोग अगर बन जाएंगे तो उम्मीद है कि हमारे मोमिनों का जो स्तर है बहुत ऊँचा हो जाएगा और पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में हम मोमिन भाइयों का नाम ऊंचा रहेगा। शुक्रिया। दोस्तों, बुजुर्गों, मुअज्जज हज़रात, आज भंडारी में जीवा मैरिज हॉल में हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी अपोलो हॉस्पिटल जिनके नाम से है उनका 107वां यौम पैदाइश मनाई गई है। वाकई वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उन्होंने बुनकरों के लिए जो हॉस्पिटल खोलने का काम किया रांची इरबा की सरजमी में, सारे लोगों को वहाँ से फ़ायदा मिलता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग आपस में है भाई भाई। गंगा जमुनी तहजीब का एक नमूना जो रांची के सरजमी में हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल के नाम से जो मशहूर है वो सारे लोगों को वहाँ से फ़ायदा मिलता है। आज उन्हीं की याद में 107वां यौम पैदाइश मनाई गई और वैसे बहुत से कम ही लोग होते हैं समाज में जो नाम रोशन करते हैं। शायर कहता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। उनके बेटे मंजूर अहमद अंसारी
या शहीद अहमद अंसारी और अनवार अहमद अंसारी, ये लोग अभी उनके जो चश्म चिराग हैं वो लोग अभी काम बहुत अच्छे ढंग से दे रहे हैं और हॉस्पिटल का नाम हालांकि मेदांता के नाम से जो चेंज हुआ है, लेकिन मेदांता के बावजूद हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी अपोलो हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है और उन्हीं की याद में आज उनकी जो 107वां वर्षगांठ मनाई जा रही थी। यहाँ तमाम हमारे मोमिन संगठन के लोग आए और हमारे जितने भी मुअज्जत मेहमान सब आए, सारे लोग बहुत अच्छे ढंग से आज यहाँ उनकी यादगार मनाने का काम किया।